नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। कुछ ही घंटों में पकड़े गए दिनदहाड़े फाइनेंस कर्मी से लूट करने वाले अपराधी। इन बदमाशों को जब हनुमानदाल थाना पुलिस के द्वारा सिंधी कैंप बाबा टोला में जहां लूट की जगह पर मौका मुआयना करने ले जाया गया तो उनके चेहरों पर पुलिस की दहशत साफ नजर आ रही थी। हथकड़ी में जकड़े हुए बदमाशों की पूरी हेकड़ी निकल चुकी थी और यह नारे लगा रहे थे कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। थाना प्रभारी मानस त्रिवेदी ने कहा कि रविवार को हनुमानदाल थाना अंतर्गत सिंधी कैंप बाबा टोला में एक फाइनेंस कर्मी से 80,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया था। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें यह बदमाश चाकू की नोक पर फाइनेंस कंपनी को लूटते और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे। वीडियो में दिखाई दे रहे तीनों बदमाशों को हनुमान थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। को एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ सिंधी कैंप में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें जो पीड़ित था उसका जो कैश रिकवर करने वाला कलेक्शन करने वाला बैग था वो छीन के कुछ आरोपी ले गए थे। तो फरियादी की रिपोर्ट पर थाना हनुमानताल में लूट की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और तेज़ी से आरोपी की तलाश की गई। इसमें कल दिनांक को आरोपी को दस्तयाब किया गया और आरोपी से पूछताछ के दौरान जो लूट का संपूर्ण सामान था वो रिकवर किया गया।